हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। और आज के सेशन के लिए मैंने टॉपिक उठाया है लेवरेज एनालिसिस। तो आपको बता दूं हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। और आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो हमने अकाउंट से रिलेटेड सारे ही चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। वहां से आप, अगर आपने नहीं देखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब ऐसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कवर करते जाएंगे सारे। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको के पास कोई डाउट्स हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अनुज जिंदल पे जाके वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वहां सारी ही फैकल्टी आपको रिप्लाई करेगी। यही नहीं, सिर्फ एफएम और अकाउंट्स के डाउट्स, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप डाउट्स उस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो जल्दी से anujjindal.in पे जाके ईएसआई पे जाके इनरोल कर लीजिए। चले हम अपने क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क? ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज या बोथ ए एंड बी? इन चारों में से कौन सा हमारा बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है? विच लीवरेज इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क? आंसर देने से पहले हर बार की तरह बता दूं कि आपको एक पेज लेना है, उसमें फाइव क्वेश्चंस लिखने हैं, फाइव क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और चेक करना है कि फाइव में से आपके कितने आंसर्स ठीक होते हैं। अगर आपके मैक्सिमम आंसर्स ठीक नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल लीवरेज एनालिसिस वाले चैप्टर को रिविजिट करना है या फिर रिवाइज करना है, ताकि जो भी गलतियां रह गई वो सारी सही हो सके, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क? कौन सा लीवरेज हमारा बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है? तो हमारा लीवरेज होता क्या है? सबसे पहले तो लीवरेज का मतलब क्या होता है, लीवरेज का हमारा मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही होता है लीवरेज का एक जनरल मीनिंग। लीवरेज की अगर एक जनरल मीनिंग की बात करूं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है अपॉन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है। वहीं ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करूं, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या हो जाता है हमारा, ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाता है हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब सेल्स की चेंज होने की वजह से हमारे ईबीआईटी में कितना चेंज आ रहा है। और हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन, क्या होता है फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, कि हमारी ईबीआईटी के चेंज होने से ईपीएस कितना परसेंट चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि इन दोनों में से या इन तीनों में से, कंबाइंड लीवरेज का मतलब क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज मतलब कंबाइंड ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों कंबाइंड करते तो कंबाइंड लीवरेज होता है। तो इन तीनों में से कौन सा हमारा बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है? तो हमारा बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है ऑपरेटिंग लीवरेज, कि भाई हमारी सेल्स की वजह से, मतलब सेल्स जब चेंज हो रही है तो उससे ईबीआईटी कितना चेंज हो रहा है। तो बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है हमारा, बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। वहीं हमारा फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है, फाइनेंशियल लीवरेज हमारा इंडिकेट करता है हमारे फाइनेंशियल रिस्क को, फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट करता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग लीवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईबीआईटी इज रुपीज 15 लाख, इंटरेस्ट इज 2,50,000, कॉर्पोरेट टैक्स 40%,
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज, हमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालनी है। देखो अभी हमने फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा यहां पे काम नहीं आएगा। तो यहां पे कौन सा काम आएगा, यहां पे हमारा कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, यहां पे हमारा फॉर्मूला काम आएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज वाला, मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज वाला। क्या है वो, जल्दी से बताओ, वो होता है हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है हमारा ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म तो बता दो जल्दी से, ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईबीटी क्या हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है हमारे पास 15 लाख रुपीज, तो ये दे रखा है हमारे पास 15 लाख रुपीज, और ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 2,50,000 की, तो ये बचा 12,50,000, इसको निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये कट किया हमने, तो बचा कितना, 150 अपॉन में 125, 5 से काट लेते हैं, ये आ गया 25 और ये आ जाएगा 30, अब ये आ जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2, ये आ जाएगा हमारे पास 1.2, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1.2। ऐसे ही मुझे जल्दी से बताओ कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल करो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, वो होता है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सीएल का मतलब क्या है, कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, ओएल का ऑपरेटिंग लीवरेज, और एफएल का फाइनेंशियल, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, क्या रिलेशनशिप होता है हमारा, क्या रिलेशन होता है, क्या हमारा कंबाइंड लीवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल लीवरेज, या ऑपरेटिंग माइनस फाइनेंशियल लीवरेज, या फाइनेंशियल लीवरेज माइनस ऑपरेटिंग लीवरेज, या ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, विच वन इज द करेक्ट वन, जल्दी बताओ। तो करेक्ट है इसका, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा कंबाइंड लीवरेज होता है वो होता है ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब जो हमारा टोटल कंबाइंड लीवरेज आता है वो कैसे आता है, अगर मेरे पास ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइनेंशियल लीवरेज इज जीरो इफ, फाइनेंशियल लीवरेज हमारा जीरो कब होगा, फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू जीरो कब होगी। देखो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला अभी हमने सीखा, क्या सीखा, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, यही सीखा। अब अगर मेरे को फाइनेंशियल वैल्यू, लीवरेज की वैल्यू जीरो लानी है तो होना क्या चाहिए, जो न्यूमरेटर है अगर उसकी वैल्यू जीरो होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यही होगा। अगर मेरे को फाइनेंशियल लीवरेज का सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पता है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो होगी तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यही होगा। तो मतलब जहां हमारा ईबीआईटी जीरो के बराबर होगा वहीं हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, जीरो होगा। अब कुछ बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तब भी तो जीरो हो जाएगा ना, कि भाई ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ये जीरो कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है भाई तुम्हारी। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी जीरो होता है तो वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है, ना कि जीरो। जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ना कि जीरो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईबीआईटी इज इक्वल टू जीरो।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर्स मतलब ईपीएस विल फ्लक्चुएट वॉलेटली इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज वेरी हाई, ऑपरेटिंग लीवरेज इज वेरी हाई, वर्किंग कैपिटल लीवरेज इज वेरी हाई, ऑपरेटिंग लीवरेज इज वेरी लो. हमारा ईपीएस कब ज्यादा फ्लक्चुएट करता है? तो ईपीएस की बात तो होती ही फाइनेंशियल लीवरेज में है. अगर मैं उसकी बात करूं एलिमिनेशन मेथड की, तो फाइनेंशियल लीवरेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख रहा है मुझे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंशियल लीवरेज इज वेरी हाई. जब हमारा फाइनेंशियल लीवरेज बहुत हाई होता है तब भी हमारा ईपीएस बहुत फ्लक्चुएट करता है. मतलब ईबीआईटी के थोड़े से चेंज होने की वजह से या ईबीआईटी के चेंज होने की वजह से ईपीएस पे ज्यादा फर्क पड़ता है, ईपीएस पे ज्यादा फर्क पड़ता है. और ऐसा क्यों होता है? जो फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी वजह से ऐसा होता है. ठीक है, अब हर बार की तरह एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर देना है. क्या क्वेश्चन है? इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे हमें कंबाइंड लीवरेज निकालना है. इन्फॉर्मेशन दे रखी है कंबाइंड लीवरेज निकालना है. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में थर्सडे को 2 PM. याद रखना हर थर्सडे 2 PM पे वीडियो प्रीमियर होती है. और वीडियो के प्रीमियर के तो हम लाइव चैट पे भी मैं अवेलेबल होता हूँ, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और उसके MCQ questions डिस्कस करेंगे. So that's all for today. Bye bye. Take care. See you soon.